रितेश, रितेश कहां हो तुम? कहां हो तुम यू ब्लडी क्रीप? सोनी कॉल रितेश। फोन भी नहीं उठा रहा है। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नंदिनी की मासूमियत का फायदा उठा रहा है, अपने आप को उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है। जरूर उसी ने नंदिनी को गार्डन में बुलाया होगा। क्या एजेंडा उसका? आई डोंट नो। नंदिनी को बदनाम क्यों करना चाह रहा है ये? सोनी कॉल रितेश। पीयू, इट्स ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूं। देख मुझे, बिल्कुल ठीक हूं मैं। हाँ, शोभित ने जो किया उससे हर्ट अब भी होता है मुझे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं द्वारका आ ही नहीं सकती। बट दिया, प्लीज वापस चले जाओ, और यहां रहने का कोई फायदा भी नहीं है। I don't want you to be depressed again. Please. अरे ये क्या कह रही है तू? क्यों मुझे वापस भेजना चाहती है? देख तेरी हालत, और क्यों ना करूं मैं उन लोगों पे पुलिस केस जिन लोगों ने तेरा एक्सीडेंट किया है? क्योंकि मैं खुद पुलिस केस करना चाहती हूँ। 3 लोगों की बातों से मुझे पता चला है कि ये रावल्स हैं। ये वही रावल थे जिन्होंने आपको इतना बड़ा धोखा दिया है, और आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस तरह से मैंने शोभित रावल से बदला लिया था, अब इन रावल्स को भी मैं ही सबक सिखाऊंगी। शोभित से क्या बदला लिया तूने? ये क्या बातें कर रही है? आपको याद है आपने हॉस्पिटल में एक मैसेज रिकॉर्ड किया था कि अगर आपको सर्जरी के बाद कुछ भी हो गया तो मैं वो मैसेज शोभित को भेज दूं? लेकिन सर्जरी के बाद आप सर्वाइव कर गए, लेकिन तब भी मैंने वो मैसेज शोभित को भेज दिया था, और मैंने हॉस्पिटल के स्टाफ से कहकर उसे ये इन्फॉर्म करवाया कि आपकी डेथ हो चुकी है। लगने दो ना उस शोभित को कि जिस चार्मी को उसने इतना बड़ा धोखा दिया उसकी मौत के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है। मैं तो चाहती हूं शोभित रावल हर पल गिल्ट में मरता रहे। ये क्या किया तूने? इसका मतलब शोभित नहीं जानता था कि मैं जिंदा हूं? क्यों किया तूने ऐसा? मैंने कहा था ना तुझसे कि वो मैसेज डिलीट कर देना। नंदिनी कहाँ है तुझे पता? भाई वो हॉस्पिटल गई है रितेश के पास इनवाइट करने के लिए। शुभू बूढ़ा बेगर था, उसको पैसे दे रहा था। ये सब ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हो भी तो सकता है, अगर शोभित को ऐसा लगता है कि चार्मी मर चुकी है, वो दर्श और नंदिनी से किसी तरह का बदला भी ले सकता है। हाँ, और अगर उसे ऐसा लगता है कि दर्श और नंदिनी की वजह से उसे जबरदस्ती गुण से शादी करनी पड़ी, तो ऐसा दर्श, हाँ
उन फोटोग्राफ से कुछ साबित नहीं होता दर्श, हमें क्या पता वहां क्या सिचुएशन है ना। तो नंदिनी को आने दे, उससे पूछ लेना, वो सब एक्सप्लेन कर देगी। पहली बार नहीं है जब मुझे नंदिनी पे डाउट हो रहा है। पहली बार नहीं है जब नंदिनी ने मुझे धोखा दिया। इस ब्रेसलेट का यहाँ रितेश के रूम में मिलना, दर्श तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तेरे दिल में जो है ना वो बोल दे। माँ, कई बार नंदिनी ने मुझसे झूठ बोला है और उस वक्त वो रितेश के साथ थी। ये रितेश तेरा दोस्त है ना, ऐसा लड़का है वो? पता नहीं दादू, मेरी तो अभी अभी दोस्ती हुई थी उससे। हाँ, लेकिन वो बता रहा था कि उसको किसी लड़की को प्रपोज करना है, अब वो किसी लड़की को पसंद करता है। इसका आइडिया नहीं था मुझे बिल्कुल भी। मैं आप सबके हाथ जोड़ती हूँ, आप नंदिनी को गलत मत समझिए। मैं जानती हूँ उसे, वो दर्श साहब को धोखा नहीं दे सकती। वो और रितेश सिर्फ बचपन के दोस्त है और कुछ नहीं, आप बताइए इन्हें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर एमजे, हैप्पी बर्थडे। अरे चाची, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे किसी भूत को देख लिया हो? देखिए, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरा परिवार कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता है। बहुत सोच समझ के ऐसे आदमी से शादी की है जो देख नहीं सकता। ये फोटो कहां से आई? वो दर्श साहब जुबिली पार्क में गए थे तो उनके कैमरा में ये भी फोटो आई है। नंदू, तू बताने सबको कि ये जो फोटो में दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं है। तेरे घर वाले तुझे गलत समझ रहे हैं नंदू। आप सबको लग रहा है कि मेरा और रितेश का, एमजे, एमजे कहाँ है? एमजे? नंदिनी। एमजे? तुमने दर्श को पहले ही कम अपसेट नहीं किया जो एमजे एमजे कर रही हो?
माँ, कई बार नंदिनी ने मुझसे झूठ बोला है और उस वक्त वो रितेश के साथ थी। ऐसा क्या है उस रितेश में जो मेरे बेटे में नहीं? हमारी घर की इज्जत के साथ क्या अपनी जबान भी छोड़ आई हो उसके पास? अगर नहीं तो जवाब दो, क्यों किया मेरे बेटे के साथ ऐसा? क्या सोचकर शोभित से इतना बड़ा झूठ बोला तुमने? हाँ, किस हक से? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे इस झूठ से कि चार्मी मर गई है, शोभित के मन में क्या बीती होगी? अब मुझे समझ में आया कि इतने दिनों से शोभित अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। एक मिनट, अजीब बिहेव मतलब? मुझे ऐसा शक है कि तुम्हारी मौत का बदला लेने के लिए शोभित दर्श और नंदिनी की शादी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने ही उसे ये सब कहा था, मैंने ही उसे कहा था कि दर्श भैया उसका फायदा उठा रहे हैं, और एक बार अगर दर्श और नंदिनी की शादी हो गई तो उसके बाद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं और शोभित साथ हो पाए या नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा? राम और लक्ष्मण जैसे भाई थे दर्श और शोभित, और तुमने शोभित के मन में दर्श के लिए इतना सारा जहर घोल दिया। चाचू, आप मेरा भरोसा करो, मुझे यही लगता था कि ये सब कुछ नंदिनी ने प्लान किया है। अरे नंदिनी को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। शोभित और गुण की शादी की शर्त वन लाख पारे के लिए रखी थी। चाचू, सच में मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मतलब पार्टी में रितेश और नंदिनी की फोटोज, ये सब कुछ शोभित नहीं कराया है। बदले की आग में वो दर्श और नंदिनी की शादी तोड़ना चाहता है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। चाचू प्लीज, आपको कुछ भी करके शोभित को ये सब कुछ बताना होगा, उसे बताना होगा कि मैं जिंदा हूं, तभी ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट आउट होगी। चलो चलिए। अगर आप इस रूम से बाहर गए तो मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी कि राजवीर रावल ने मेरा एक्सीडेंट किया था। उन्हीं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना आप? मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी, और हाँ, शोभित को कभी भी नहीं पता चलना चाहिए कि चार्मी दी इज नो मोर। मिल, आप सब जैसा सोच रहे हैं, मिल मत कहो मुझे, क्योंकि उस शब्द में भी मां का इस्तेमाल होता है। तुम्हारी वजह से आज फिर ये प्रूव हो गया कि मैं मां बनने में फेल हो गई। कैसे नहीं पहचान पाई मैं? हाथों में मीठा बनाने का ऐसा गुण और दिल में इतना जहर, मैंने क्या कर दिया? कैसी बेटी ढूंढ लाई अपने बेटे के लिए? कैसे तुम पर विश्वास कर लिया? मिल, ये सब आपने इन चंद तस्वीरों में देख लिया? तस्वीरें झूठ बोल सकती हैं,
लेकिन मेरी बेटे की आंखें झूठ नहीं बोल सकती, उनमें जो आंसू है वो झूठ नहीं बोल सकते। नम्रता ने कहा था मुझसे, उसकी आंखों में जो आंसू है वो गलत नहीं हो सकते। ये जो मेहमान आए हुए थे उसके सामने उसकी बातें कर रहे थे, वो इतना शर्मिंदा हो गया था। वो सब गलत है, सारी दुनिया गलत है, सिर्फ तुम सही हो। नहीं, सिर्फ तुम गलत हो। नम्रता ने सही कहा था, तुम हमारे घर के लायक ही नहीं हो। तुम्हारी अपब्रिंगिंग हमारे जैसी नहीं है, इंग्लिश के दो शब्द नहीं बोल पाती हमारे जैसे। मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारी इतनी इज्जत की कि मैंने अपनी बेटी की बातों पर यकीन नहीं किया। और तुमने क्या किया नंदिनी, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की आंखों में आंसू हैं। रात रात भर रितेश से फोन पर बातें करना शायद ही आंसू ना हो। इंग्लिश क्लासेस मिस करके उसके साथ घूमने जा रहा, कितने प्यार से दिया था दर्श ने अपनी दादी का ब्रेसलेट, वो खो दिया, कोई नकली ब्रेसलेट दे दिया उसे। इस मुखौटे के पीछे का असली चेहरा देख लिया है मैंने नंदिनी। तुमने सिर्फ दर्श को नहीं, हम सबको चीट किया है। हर किसी ने तुम्हें प्यार दिया और तुमने उसे चीट किया है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।